أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I'm your teacher Umar Muhammad and today we are going to read the second chapter and the part 2 of chapter Nico Bobbinus from New Oxford Modern English book 6 and it is the third edition of this book. लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. اللهم فعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. The name of this chapter is Nico Bobbinus and it is the second part of this chapter. Nico Bobbinus ran as fast as he could. और Nico Bobbinus इतना तेज़ भागा जितना वो भाग सकता था. Across the lawn, lawn को cross करते हुए यानी उसके बीच में से गुजरते हुए, down the path, रास्ते से नीचे उतरते हुए, round a hedge और एक बाड़ के इर्द गिर्द यानी उसके साइड से घूम कर जाते हुए, and into a little shed और एक छोटे से गोदाम या शेड, कह लें एक छोटा सा कच्चा सा कमरा जिसको होता है उसको बोलते हैं शेड, एंड बोल्टेड द डोर और उसने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा ली. ओपन अप क्राइड द मैन, आदमी चिल्लाया खोलो. एंड द हिंजेस क्रीक्ड एंड द डोर शुक एज ही बैंग्ड इट विद हिज फिस्ट. हिंजेस बोलते हैं जिस चीज़ से आपने किसी कुंडी को दरवाजे के साथ चिपकाया होता है या दरवाज़ा दीवार के साथ चिपका होता है, इन दोनों चीज़ों को हिंजेस बोलते हैं. क्रीक मतलब उनमें से चूँ चूँ की यानी ऐसी आवाज़ है जिससे अभी वो टूट जाएंगे. एंड शुक होता है हिलना है ज़ोर से, और बैंक का मतलब होता है ज़ोर से मारना जब उसने पंच किया उसको दरवाजे को बाहर से आदमी ने. विथ हिज फिस्ट अपनी मुट्ठी से, यानी अब जब उस आदमी ने दरवाजे को ज़ोर से मारा तो उसकी हिंजेस में से क्रीक का साउंड आया, यानी उसके कब्जे भी बोल सकते हैं जिससे वो कुंडी दरवाजे के साथ चिपकी हुई थी और दरवाज़ा ज़ोर से हिला. That door's not going to last long, thought Nico Bobbinus to himself. Nico Bobbinus ने खुद से सोचा, यानी उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये दरवाज़ा तो ज़्यादा देर नहीं टिक सकेगा. And he dragged a large old stone roller up against it. फिर वो बड़ा सा एक पत्थर का रोलर ड्रैग करते हुए यानी घसीटते हुए उसके पास लेकर आया और उसके मुकाबले लाकर उसने उसको दरवाजे के पीछे बिल्कुल खड़ा कर दिया. Open this door at once. Do you hear? The man was shouting. आदमी चिल्ला रहा था, क्या तुम सुन रहे हो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो. But Nico Bobbinus didn't hear anything at all. लेकिन Nico Bobbinus कुछ भी नहीं सुन रहा था, बिल्कुल भी कुछ नहीं सुन रहा था. He was too amazed by what he had found. वो तो उस चीज़ की वजह से बहुत हैरान था या बहुत उसको वो दिलचस्प लग रही थी जो उसको वहाँ से मिली थी. यानी जब उसने उस बड़े से स्टोन रोलर को वहाँ से हटाया तो जो कुछ उसने वहाँ पर पाया वो उसकी वजह से बहुत अमेज हो गया था. You will have to come out eventually. आखिरकार तुम्हें बाहर आना ही पड़ेगा. The man was saying, आदमी कह रहा था. And the longer you leave it, और जितना देर से तुम यहाँ से निकलोगे, the worst it will be for you. तुम्हारे लिए उतना ही बुरा होगा. But he could have saved his breath. लेकिन वो अपनी जान बचा सकता था. ब्रेथ वैसे सांस को बोलते हैं लेकिन यहाँ पर जान बचाने के मायने में इस्तेमाल होगा. Next is Nico Bobbinus was on his knees. Nico Bobbinus अपने घुटनों पर बैठा था, examining और वो मुआयना कर रहा था what he had revealed when he moved the roller. जब उसने roller को move किया तो उसने क्या चीज़ वहाँ से दरियाफ्त की. He brushed off the dust. उसने मट्टी हटाई and undid the catch. और catch एक टाइप की कुंडी कह रहे कि जो दरवाजे को बंद होने से रोकने के लिए या खुद ब खुद वो खुल ना जाए उसको लगाई जाती है, दैट इज़ कैच. उसको उसने undid यानी खोला. एंड देन लिफ्टेड इट अप, और उसको ऊपर उठाया. राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन, सेड द मैन. आदमी ने कहा ठीक है मैं इस दरवाजे को तोड़ने जा रहा हूँ. एंड देन और फिर, बिकॉज क्योंकि ही न्यू, वो जानता था, ही वुड हैव टू रिपेयर द डोर हिमसेल्फ, ही एडिड डू यू हेयर. वो जानता था कि दरवाज़ा अगर टूट गया तो ठीक भी उसने खुद ही करना है, इसलिए उसने अपने जुमले में इजाफा किया कुछ अल्फाज का और कहा क्या तुम सुन रहे हो. यानी पहले उसने उसको धमकी दी कि मैं दरवाजे को तोड़ ही देता हूँ, लेकिन क्योंकि वो जानता था अगर टूट गया तो खुद ही ठीक करना पड़ेगा, इसलिए उसने बात को बढ़ाया और कहा क्या तुम सुन रहे हो. बट Nico Bobbinus didn't hear. लेकिन Nico Bobbinus नहीं सुन रहा था.
निको बॉबिनस हैड डिसअपीयर्ड थ्रू द ट्रैप डोर ही हैड डिस्कवर्ड. वहाँ पे उसने जो ट्रैप डोर यानी छोटा जो एक दरवाज़ा था उसने डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया, वो वहाँ से गायब हो चुका था. एंड वॉज रनिंग डाउन, और वो नीचे भाग रहा था स्टोन स्टेप्स, पत्थर की सीढ़ियों पर. दैट वर स्लिपरी, जो बहुत ज़्यादा फिसलन वाली थी, विद स्लाइम एंड द स्मेल्ट ऑफ ग्रेवयार्ड्स. और वहाँ से वो बहुत गीली मिट्टी की वजह से फिसलन हो चुकी थी, और उसकी स्मेल यानी ऐसी भू आ रही थी जैसी कब्रिस्तान की होती है. एंड दैट वेंट डाउन एंड डाउन, और वो नीचे ही नीचे जाती जा रही थी. डीपर इन टू द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर गहराई में. अनटिल इट बिकेम पिच ब्लैक, और यहाँ तक कि बिल्कुल अंधेरा हो गया. रोजी सेड निको बॉबिनस टू हिमसेल्फ, दैट इज़ ऑल योर फॉल्ट. निको बॉबिनस ने खुद से ही कहा, रोजी ये सब तुम्हारी गलती है. He heard his heart pounding, और उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी. And his steps echoing along the dark rock of the narrow passageway. और गीली चट्टानों से बना जो तंग सा रास्ता था उसमें वो अपने कदमों की गूंज को सुन सकता था. Until all at once there was nothing, और अचानक वहाँ से सब कुछ ख़त्म हो गया, यानी वहाँ कुछ भी नहीं रहा, ना पत्थर ना सीढ़ियाँ, कुछ भी नहीं. एंड बिफोर, और इससे पहले ही रियलाइज्ड, वो इस बात को समझ पाता, ही वॉज़ फॉलिंग, वो गिर रहा है. इन द ब्लैकनेस, तारीकी में. ही वॉज, जी हाँ, वो गिर रहा था, यानी इससे पहले उसे कुछ पता चलता कि हुआ क्या है या उसके साथ क्या माजरा हुआ और सब चीज़ें कहाँ चलेगी, सीढ़ियाँ कहाँ गायब होगी, रास्ता कहाँ चला गया, तो उसको ये पता चला कि वो बस तारीकी में गिरता चला जा रहा है. सेवरल थाट्स फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड एट द सेम टाइम, और उसके दिमाग में एक ही वक्त में बहुत से ख्याल आ रहे थे. द फर्स्ट वॉज समथिंग अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ ब्रदर ओनली अ बिट रूडर, यानी जो पहली उसको जो सोच या ख्याल उसके दिमाग में आया उसके भाई के बारे में था, जो कि थोड़ा सख्त था. द सेकेंड वॉज अ रादर अनकाइंड थाट अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड, और जो दूसरा ख्याल उसके दिमाग में आया वो उसकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में था. सब जानते हैं उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी, रोज़ी, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था. तो उसके लिए उसकी सोच थोड़ी अनकाइंड थी. हु हैड इंस्टिगेटेड द होल एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन मतलब मुहिम, और इंस्टिगेटेड का मतलब होता है उकसाना, यानी वही थी जिसने इस मुहिम के लिए उसको उकसाया था. एंड इट इन्वॉल्वड हर जैंगलिंग ओवर अ स्नेक पिट व्हाइल न्यूमरस फायरस ड्रैगन्स फ्लू एट हर चैंटिंग. इन्वॉल्वड मतलब शामिल करना, जैंगलिंग लटकता हुआ होना, पिट मीन एक घड़ा, न्यूमरस मैनी बहुत सारे, फायरस वसीले, ड्रैगन्स ड्रैगन्स, एंड चैंटिंग मीन नारे लगाना या खुशी से आवाज़ें कसना. यानी उसकी जो दूसरी सोच थी और दूसरा ख्याल था उसमें रोज़ी को शामिल किया गया था, जिसमें वो एक घड़े के ऊपर लटक रही थी जिसके अंदर सांप थे और उसके आसपास बहुत से ड्रैगन नारे लगाते हुए उड़ रहे थे. यानी उसी को ड्रैगन की सरजमीन की खोज का बहुत शौक था, इस वजह से उसको उसमें इस तरह से शामिल किया गया. हाउ कुड यू डू इट टू हिम, पुअर निको बॉबिनस. और अपने नारों में उससे पूछ रहे थे कि तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, बेचारा निको बॉबिनस. द थर्ड थाट वॉज, जो उसको तीसरा ख्याल आ रहा था वो था, सपोज इट्स अ वेल, और वो उसमें सोच रहा था कि ये कुआं है, अ डीप, एक गहरा अनयूज्ड वेल, और ऐसा कुआं जिसको इस्तेमाल ना किया जा रहा हो, विद स्लाइमी स्लिपरी साइड्स, उसकी जो किनारे हैं जो साइडें हैं उसकी इतराफ हैं वो स्लाइमी यानी गीली मिट्टी वाली हैं और बहुत फिसलन वाली हैं. दैट यू कुड नेवर क्लाइम, जिसको तुम कभी भी क्लाइम नहीं कर सकते, चढ़ नहीं सकते. एंड आइसी वाटर एट द बॉटम दैट, और उसके जो बॉटम यानी उसका जो पेंदा है वहाँ पर बहुत बर्फीला पानी है. एट दिस पॉइंट, इस मौके पर, ही डिस्कवर्ड, उसने ये बात दरियाफ्त की, इट वॉज नॉट अ वेल, ये कुआँ नहीं है. ही मेड दिस डिस्कवरी वेरी सडनली, और बहुत जल्द ही उसको इस बात का अंदाज़ा हो गया और उसने ये दरियाफ्त कर लिया था. एंड वेरी पेनफुली, और उसको बहुत तकलीफ़ भी हुई इसको बात को, जब जैसी उसको ये बात पता चली कि कुआँ नहीं है तो उसको बहुत तकलीफ़ हुई. ऑफ सेड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने कहा ऑफ, एंड ही ले देयर इन द पिच ब्लैकनेस, और वो बहुत ज़्यादा तारीकी में वहाँ लेट गया. With not a single breath left in his body, और उसके जिस्म में जैसे जान ही ना रही हो, एक सांस भी बाकी ना रही हो. For what seemed like the whole winter, और ऐसा लगता था जैसे पूरा मौसम सरमा गुजर चुका है. But was probably only a few seconds, लेकिन ये कुछ लम्हे ही थे. He came to himself, वो अपने आप में वापस आया. In fact, दर हकीकत, just as a stone hit him on his head, जैसे एक छोटा सा पत्थर उसके सर पर लगा, यानी वो खो चुका था और जब जैसे ही पत्थर उसके सर पे लगा तो वो होश में वापस आया. ऑफ सेड निको बॉबिनस अगेन, निको बॉबिनस ने फिर से कहा ऑफ, एंड देन रियलाइज्ड ही कुड हियर फुटस्टेप्स हाई अबव हिम, और उसने ये बात रियलाइज़ की, यानी उसको इस बात का यकीन हो गया कि उसके ऊपर से कदमों की आवाज़ आ रही है.
और वो कदमों की हाट को सुन सकता था। स्टॉप सर, रुक जाइए जनाब, ही कॉल्ड आउट, उसने ज़ोर से आवाज़ दी। बट द फुट स्टेप्स केप्ट ऑन कमिंग डाउन, लेकिन वो कदम यानी जो आहट कदमों की थी वो नीचे ही आती जा रही थी। ओहो, आई हैव गॉट यू नाउ, ओहो अब तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, क्राइड द मैन, आदमी चिल्लाया। एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी, अब मैं तुम्हारे जिस्म की हर हड्डी पे मारूंगा, अनटिल इट इज़ ब्लैक एंड, यहाँ तक कि वो काली ना हो जाए। या अभी उसने अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं किया था। निकोबोबिनस सपोज, निकोबोबिनस ने फ़र्ज़ किया या सोचा दैट मैन वॉज गोइंग टू से ब्लू, यानी अभी आदमी ब्लैक के बाद ब्लू कहेगा, यानी मारने की वजह से जिस्म का रंग जैसा हो जाता है, मतलब वो उसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी ये बंदा ब्लैक के बाद ब्लैक एंड ब्लू बोलेगा। बट लेकिन इन फैक्ट दर हकीकत द नेक्स्ट वर्ड ही अटर्ड साउंडेड मोर लाइक, लेकिन अगला लफ्ज़ जो उसने बोला उसकी आवाज़ कुछ ऐसी थी, यानी ये जो नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं बहुत अजीबोगरीब किस्म की स्पेलिंग है, बग फा हू हर हा, इस टाइप की आवाज़ थी। इट वॉज़ नॉट अ वर्ड, ये कोई वर्ड नहीं था विथ विच निकोबोबिनस वॉज एट ऑल फेमिलियर, यानी जिसको वो जानता हो, या निकोबोबिनस ने ऐसा कोई वर्ड इससे पहले नहीं सुना था। फेमिलियर होता है जान पहचान होना, यानी ऐसे किसी लफ्ज़ से उसकी जान पहचान नहीं थी। बट ही अंडरस्टूड, लेकिन वो समझ गया इट्स मीनिंग, उसका मतलब परफेक्टली, बिल्कुल अच्छी तरह से, यानी उस लफ्ज़ को पहले उसने कभी नहीं सुना, ना वो इस लफ्ज़ को जानता था, लेकिन उसका मतलब वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। एंड मूव्ड स्मार्टली, और बहुत चलाकी के साथ वो एक तरफ हो गया, आउट ऑफ द वे उसके रास्ते से। क्रैश, रोज़ ज़ोर से एक क्रैश हुआ या एक धमाका हुआ। आर यू ऑल राइट, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि आप ठीक हैं। देयर वाज साइलेंस, वहाँ खामोशी थी। निकोबोबिनस फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच डार्क, निकोबोबिनस ने बहुत ज़्यादा तारीकी में वापस जाने वाले रास्ते को तलाश करने की, उसको महसूस करने की कोशिश की। अनटिल, यहाँ तक हिज हैंड टच द मैन लेदर जर्किन, यानी उसके हाथ ने उस आदमी की लेदर की जो जर्किन उसने स्लीवलेस जैकेट पहन रखी थी उसको टच किया। द मैन वॉज लाइंग एज स्टिल एज डेथ, यानी वो बिल्कुल स्टिल हो चुका था, रुक चुका था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका है। बट ही वॉज ब्रीथिंग, लेकिन वो सांस ले रहा था। आई मस्ट गेट हेल्प, मुझे मदद चाहिए या मदद लेकर आनी होगी, सेड निकोबोबिनस टू हिमसेल्फ, निकोबोबिनस ने अपने आप से सोचा कि मुझे ज़रूर मदद लेकर आनी चाहिए। एंड ही बिगेन ग्रोपिंग अराउंड द ब्लैकनेस टू फाइंड अनदर वे आउट, और उसने तारीकी में इधर उधर हाथ मारना शुरू किए ताकि वो बाहर जाने का कोई रास्ता तलाश कर सके। व्हेन ही फाउंड इट, जब उसे वो मिला, हाउएवर ताहम हिज हार्ट सैंक, उसका दिल डूबने लगा। द ओनली एग्जिट अपीयर टू बी अ नैरो गैप, सिर्फ एक ही वाहिद रास्ता था वहाँ से निकलने का, वो एक बहुत तंग सा गैप यानी तंग सी खाली जगह थी, डाउन बाय द फ्लोर, और जो फर्श के बिल्कुल साथ ही थी। नो मोर देन अ फुट हाई, तकरीबन एक फुट से भी ज़्यादा ऊंची नहीं थी वो। आई कांट स्क्रम थ्रू दैट इन द पिच डार्क, इतनी ज़्यादा तारीखी में मैं यहाँ से अपने जिसम, स्क्रमिंग गोल गोल होना या घसीटना अपने आप को, क्रॉलिंग टाइप कह सकते हैं, तो उसने बोला कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा। बट लेकिन एट दैट वेरी मोमेंट, एंड उसी लम्हे, ही हर्ड रोज़ीज चीयरफुल वॉइस सिंग, उसको रोज़ी की बहुत खुश किस्म की खुशगवार आवाज़ सुनाई थी जिसमें वो कह रही थी यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। निकोबोबिनस स्पैन राउंड, निकोबोबिनस जल्दी से मुड़ा, एंड देयर, और वहाँ पर टू हिज इमेंस सरप्राइज, उसके लिए बहुत ज़्यादा हैरानी की बात थी, वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, नो रोज़ी, रोज़ी भी नहीं थी, नो एनीबॉडी, और कोई और भी नहीं था। बट आई डोंट नो इफ़ इट लीड्स एनीवेयर, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये रास्ता कहीं जाता भी है या नहीं। ही सेड टू द वॉइस इन हिज हेड, उसने अपने दिमाग में आने वाले उस ख्याल या उस आवाज़ से कहा। एंड इट्स सच अ टाइट स्क्वीज, और ये बहुत तंग है, आई माइट गेट स्टक, हो सकता है मैं यहाँ फंस जाऊँ। ही डिडंट हेयर रोज़ीज वॉइस अगेन, उसे दोबारा रोज़ी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था वट इट वुड हैव सेड, कि अगर वो होती भी तो क्या कहती, वो तो यही कहती है हमेशा भी, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। And that was how he found himself wriggling down a narrow passage of stone in the pitch black. और इस तरह से उसने अपने आप को वहाँ पर पाया जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा तारीकी में उस पथरीले रास्ते में क्रॉलिंग करता हुआ और रिगलिंग करता हुआ जा रहा था। He squirmed and he wriggled there in a black for a long. और उस तारीकी और उस अंधेरे के अंदर वो बहुत देर तक क्रॉलिंग करता रहा, रींगता रहा, लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक। एंड द टनल गोट नैरवर, और जो टनल या जो सुरंग थी वो तंग से तंग होती जा रही थी। अनटिल ही कुड हार्डली इंच अलॉन्ग इट, और इतनी मुश्किल से, मतलब सिर्फ एक इंच का फासला भी नहीं रह गया था, वो इतना तंग हो गया था रास्ता। आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूँ, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। बट ही डिडंट, लेकिन वो नहीं गया। ही जस्ट केप्ट रिगलिंग एंड स्क्रीमिंग, और वो वहाँ पर रींगता रहा। अनटिल सडनली ही फाउंड ही कुड स्टैंड अप, और अचानक से उसको ऐसा लगा कि अब वो खड़ा हो सकता है। ही टुक अ पेस फॉरवर्ड, उसे एक कदम आगे बढ़ाया। एंड इमीडिएटली फेल ओवर स्टोन स्टेप्स लीडिंग अप, और अचानक से वो उन सीढ़ियों पर गिरा जो ऊपर की तरफ जा रही थी, पथरीली सीढ़ियाँ, पत्थर से बनी हुई,
Oh, he said. उसने कहा oh. Although what he really meant was thank goodness. और इस oh का मतलब जो उसने आवाज़ निकाली यकीनन यही था कि वो thanks goodness बोल रहा था. He began to climb. उसने चढ़ना शुरू किया and was still climbing some minutes later. और कुछ मिनट तक या कुछ मिनटों तक वो चढ़ता ही रहा. It must be a tower, he thought. उसने सोचा ये एक मीनार होगा. और the grandest house in Venice, या Venice का बहुत बड़ा कोई घर होगा. But at that very moment, लेकिन एन उसी लम्हे he saw a crack of light. उससे एक रोशनी की लकीर दिखाई दी. He stretched out his hand. उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया and found himself touching a catch. और यहाँ पर जब उसने हाथ आगे बढ़ाया तो उसने पाया कि उसका हाथ यानी जो कैच को कुंडली थी उसको टच कर रहा है, यानी जो कुंडली थी उसको टच कर रहा है अंधेरे में, जिसके हल्की सी आवाज़ आई उसके अंदर लगी क्लिक, अंधेरे के अंदर खुलने की आवाज़ आई, उस कैच के खुलने की आवाज़ आई, बहुत हल्की सी आवाज़ आई उस कैच के खुलने की. अ पैनल सडनली स्लिड ओपन, और एक पैनल अचानक से खुल गया. पैनल मीन दरवाजे का जो दो साइड्स होती है ना ओपन होने के लिए, जो एक साइड होती है उसको भी पैनल कहते हैं. And Nico Bobbins stepped through into the most amazing room he had ever seen. और उसके बाद Nico Bobbins ने एक ऐसे कमरे में कदम रखा जो बहुत ज़्यादा हैरान कन था, और इससे पहले उसने ऐसा रूम या ऐसा कमरा कभी भी नहीं देखा था. This was the end of this lecture. Hope you liked it. But this is not the end of this chapter, because ये chapter लिया गया है एक novel से, और उसका ये एक part है. यानी यहाँ पर सिर्फ two parts, दो chapters को ही discuss किया गया है. ये एक full novel है और वहाँ से इसको grab किया गया है two parts को इसके. अगर आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माई कॉन्टेंट एंड माई निश, यू कैन फ्री टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.